लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की लेंथ, ये सिंपल पेंडुलम है आपका, इसकी लेंथ का वैल्यू ऑफ जी पर, जी की वैल्यू जो 9.8 है, अगर लेंथ चेंज हो रही है या इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इसका जी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये आपने मेजर करना है, ये स्टैंड आपका प्रिंटर पे आएगा, स्टैंड आएगा, मेटालिक बॉब आएगा, थ्रेड आएगा, और ये जो ये कॉर्क आएगा, ब्लैक कलर का जो है इसको कॉर्क कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं वो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने थ्रेड की लेंथ फाइंड करनी है, यानी जितना थ्रेड लटक रहा है उसकी उसकी लेंथ फाइंड करनी है, और इस लेंथ के अंदर ना ये हुक इंक्लूड होगा ना ये बॉब इंक्लूड होगा, तो मैं करना है सेंटीमीटर के अंदर। उसके बाद आपने इसको मूव करना है 10 टाइम इसकी कैलकुलेशन लेनी है, ओके। यहां पे फिर क्या हो गया, ये उसके बाद इसकी 10 टाइम ऑब्जर्वेशन लेनी है, ये ऑलमोस्ट इसकी कैलकुलेशन बनेगी 12 सेकंड्स, ये T1 की, इसकी दो टाइम ऑब्जर्वेशन लेनी है आपने, दो बार ऑब्जर्वेशन लेके इसका मीन निकालना है, T1 आ गया, उसके बाद T2 निकालना है, T2 की भी यही वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली, उसके बाद आपने टोटल टाइम निकालना है, टोटल कैसे निकालेंगे, 24 उसके बाद आपने इस टी का टी को टी की जो वैल्यू आई है उसको उसको आपने 10 पे डिवाइड करना है, 10 पे डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि आप इधर कितनी वाइब्रेशन दे रहे हैं, 10 वाइब्रेशन दे रहे हैं, इट्स मीन टी डिवाइडेड बाय 10, 12 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे करें क्या आता है, 1.2 का स्क्वायर क्या होगा, 1.4। उसके बाद आपने एल को टी के स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है, एल की वैल्यू क्या है, 24 डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर 1.44, क्या आ गया आपके पास 16.6। अब देखें तो बेसिकली आपके पास फार्मूला क्या है, जी निकालने का फार्मूला है 4π का स्क्वायर एल ओवर टी का स्क्वायर। उसके बाद अब देखें पाई की वैल्यू आपके पास है, एल की वैल्यू आपके पास है, टी के स्क्वायर की वैल्यू है, उसके बाद आपने इसकी फ्रैक्शन ले ली, फ्रैक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई, क्लियर हो गया। उसके बाद जब आप इसको फार्मूला में पहले इसको पुट करें, जी निकालना है आपने 4π एल ओवर जी का स्क्वायर, वैल्यू आ गई 208। ब्लॉगिंग मैनेजर अब लिखना है कि वो कल बोल के पेज को डाल दो, पेज को आप संभाल लेना, देखो ऐसे जितना आयुष्मान या L1 क्या है, किधर से है, किसके लेंथ है, ये टोटल लेंथ किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी टोटल टाइम को, टोटल टाइम यहाँ पे क्या है, कोडिंग आता है, गलत किया
ठीक है।